Spike, what are you making? So, Mama is making a flag. Okay, where are you going? For voting. You're going for voting? Wow, good. Vote for hope, vote for Pakistan. Yes. हेलो फ्रेंड्स एंड आदाब दोस्तों, आज का दिन, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज है इलेक्शंस डे। पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं तो मैं वोट डालने के लिए निकला हूं और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वोट डालें क्योंकि वोट पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वोट फॉर पाकिस्तान, वोट फॉर बेटरमेंट। तो इमरान भाई, आप किसको वोट डाल रहे हैं? मैं वोट डाल रहा हूँ जनाब टू 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 समझ जा। तो ये हमारे साथ हमारे कुलीग हैं सईद साहब। तो सईद साहब, आप वोट कास्ट कर चुके हैं तो ओवरऑल आप कैसा माहौल देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वोट तो मैंने कास्ट कर दिया है और बड़ा अच्छा लगा। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी जो मुझे, एक तो एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था, लोग काफ़ी, मतलब रश भी था और इवन जब मैं अभी पहुंचा हूं तो पहला बॉक्स जो है ना वो बिल्कुल फिल हो चुका था। तो और पीछे भी एक बड़ी लंबी लाइन थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें यंग जनरेशन जो है ना मुझे काफ़ी नज़र आई उसमें, मतलब 18-20 प्लस जो लोग थे, लड़के थे, वो काफ़ी तादाद में मुझे नज़र आए। और बाकी मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उसमें सिर्फ दो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। एक तो ये कि जो स्टैम्प ये लोग यूज़ करते हैं, अगर वो स्टैम्प थोड़ी सी दूसरी, जो आजकल स्टैम्प आती है क्योंकि प्रेस करने वाली स्टैम्प, वो अगर हो तो, क्योंकि उसमें कुछ एक पार्ट जो है ना उसका कुछ 20% ड्राई हो जाता है, करते हैं तो ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है। दूसरा ये है कि जो ये थंब प्रिंट लेते हैं तो उसको अगर बाद में लिया जाए या किस, क्योंकि जब आप उसको फोल्ड करते हैं वोट को तो निशान आ जाता है, प्रिंट का निशान जो है ना आपके जो पेपर है उसके ऊपर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं। अच्छा, तो यहाँ पर लेडीज वगैरह में भी काफी रश है? जी 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 जी, लेडीज में भी मैंने देखे। अच्छा। लेडीज भी बड़े आराम से आ रही थी, वोट डाल रही थी, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं उनको हुआ और वहाँ पे भी काफी रश था। तो वोट जिसको भी, मेरा यही है सबको पैगाम के वोट आप दें, जिसको भी दें, कोई भी पार्टी या उसको दें वोट, लेकिन वोट दें जरूर, वोट जरूर दें क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। जी जी जी, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और देखें इस टाइम पे आप ये चीज सोचना शुरू होंगे क्योंकि अगले 5 साल तक आपने इन्हीं लोगों के रहमो करम में होना है। बिल्कुल। तो आपने ऐसे बंदे का इंतखाब करना है कि जो वाकई आप समझे कि इस मुखलिस के लिए मुखलिस जाना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये देखें, ये हम शारा फैसल से जा रहे हैं, ये देखें यहाँ पर पार्टीज के जो झंडों की बाहर आई हुई है। अभी हमें तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है। आधी ज़्यादा राइट पे ये मस्जिद है ना, इसके सामने ये पार्क है। हाँ, यहीं पर ही होगा पार्क में साथ मस्जिद तो ये है ना। हाँ। यहाँ से फिर एक से हाँ के साइड से पूछते हैं हम इमाम बारगाह का पूछते हैं। हाँ, इमाम बारगाह से पता चले। हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया, अभी तक हमें पोलिंग स्टेशन नहीं मिला। शुक्र, एक घंटे के बाद ढूंढने के बाद हमारा पोलिंग स्टेशन मिल गया, अभी भी कंफर्म नहीं है। चले देखते हैं। नहीं है वो 201 78 घराना नंबर। चले, शुक्र, ये मिल गया। फ्रेंड्स, मेरा वोट हो गया है तो आप लोग भी जाएं वोट डालें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की उम्मीद के लिए। वोट फॉर होप, वोट फॉर पाकिस्तान। यस।